हाँ भैया। अब तुम घर जाओ, बाकी कल हो जाएगा। ठीक है भैया। अरे जाओ नहीं तो कॉलेज में देर हो जाएगी। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ। तुम्हारी रोटियां ऊपर जाली में रखाई हूँ और छाछ बिलोगनी से ले लेना। ठीक है बहना। थोड़ी सी देर हो गई भैया। अरे कोई बात नहीं, एक रोटी ज्यादा खाऊंगा, सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। भैया भूख में भोजन और प्यास में पानी ही ठीक होते हैं। 24 घंटे टट्टू की तरह मुँह चलाना तो पशुओं का काम होता है। हाँ, एक बार कुछ खाने के बाद कम से कम 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। लेकिन कोई माने भी? अरे नहीं मानते तो देखिए ना, कदम कदम पर डॉक्टरों की दुकानें और बीमारों की लंबी लाइन। सारा दारोमदार तो भैया साफ शुद्ध खान पान पर ही है। भाई बात तो तेरी 16 आने सच है, पर कोई माने तब ना। बड़े भैया चाहे कुछ भी करो, लेकिन 5 दिन के अंदर अंदर दीपक को 500 रुपए देने हैं। राधा, क्या भाई से बढ़कर चीज कोई दूसरी प्यारी हो सकती है? भैया ये दीपक के भविष्य का सवाल है, बीए करने के बाद दिन बदल जाएंगे। सवाल को हल तो जरूर करना है, मगर भैया इस बारे में अगर मगर कुछ भी काम नहीं आएंगे, जैसे भी हो। राधा तुम ठीक कहती हो, दीपक तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरा काम है, तुम जाओ। राधा मैं जमीन गिरवी रखूंगा, मैं मानता हूं सेठ दीनदयाल लालची है, मगर मगर काम वही पूरा करेगा। एक बार दीपक की बीए हो जाएगी तो धीरे धीरे सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। सेठ जी, आप कौन है? मैं हूं भीमा। कैसे आना हुआ? वो कुछ पैसे चाहिए थे। जमीन के कागज लाए हो? जी हाँ पूरे हैं। जमाबंदी की नकल कहाँ है भाई? जी इसी में थी। हाँ है, है, है। बोलो भाई, उतना बोलना जितना मुनासिब हो। जी कम से कम 1,000 तो दे ही दीजिए। पागल हो गया है क्या? मैं कभी तो समझदारी की बात किया कर। ठीक है फिर जैसा आप ठीक समझे। हाँ ये हुई ना बात। अजी सुनती हो? एक 500 रुपए लाना। लाई जी। भीमा हमारे धंधे में बस 2 ही बातों का ध्यान रखना होता है। पहली ये कि व्यापार अलग और प्यार अलग। आप मालिक हैं सेठ साहब, अब मैं दूसरे दरवाजे पर तो जा नहीं सकता।
अजी सुनो तो। कहो। मैं कुछ कह सकती हूँ? बोलो बोलो। पहली बार बीमा आया है, जमीन रहने दो, वैसे ही पैसे दे दो। मुझे किसी की होनहारी की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। और तुम जाओ अंदर, बीच में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। चलो। ये लो सेठ जी, कम पड़ेंगे। ज्यादा चाहिए तो कोई दूसरा दरवाजा तलाश करो। नहीं नहीं सेठ जी, दूसरा दरवाजा मेरे लिए मौत के बराबर है। 500 पूरे हैं, लो और जाओ। अच्छा सेठ जी, जय सियाराम। जय सियाराम। समझदार लगता है। राधा, 2-3 दिन लग जाएंगे, चिंता ना करियो। हाँ देख मेरे दाता, बहन हो तो राधा जैसी, और सुन भोजन हो तो इस पिंड जैसा। महाराज जी प्रणाम। जय सुख। यहां बैठिए महाराज जी। महाराज भोजन जरूर करना पड़ेगा। लाओ बच्चा, क्या खिलाओगे? भरपूर भोजन कीजिए, इसे खाने के बाद 3 दिन तक भूख आपके पास नहीं आएगी। ये प्यार का खाना है। मजा आया ना? मजा वजा तो साधारण चीज है भगत, आप तो आनंद आ गए। अरे महाराज आप मेरे साथ चलिए, रोजाना ऐसे ही भोजन की लाइन लगा दूंगा। बिगड़ा हुआ रईस हूं ना, खैर जमीन गई तो गई है। जमीन कहाँ गई? जमीन ने कहाँ जाना है, ये कभी किसी की ना हुई। बड़े बड़े चले गए मगर ये यही की यही है। बच्चा तुम्हारा नाम क्या है? महाराज नाम तो ऊपर वाले का होता है, हाँ मुझे भीमा कहते हैं। बच्चा मैंने तुम्हारा अन्न खाया है, मेरी 2 बात मानोगे? आप भगवान स्वरूप हो, आप जो भी उपदेश देंगे मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। कहिए महाराज। एक तो गहरा राज किसी को नहीं बताना, और 5 भाई जिस बात ने कहे उसको इनकार नहीं करना। महाराज ऊपर तो वो साक्षी है और नीचे धरती माता, मैंने आपकी दोनों बातें अपने पल्ले से बांध ली हैं, जिंदगी भर नहीं खोलूंगा। चलिए महाराज मैं आपको छोड़ देता हूं। जय हो। महाराज जी गाड़ी में बैठिए। नहीं बच्चा मैं पैदल ही जाऊंगा। अच्छा महाराज। जय। We'll be right back.
अबे चूहे की नहीं सरदार, कबूतर की औलाद। हमें बिल्ली समझता है? नहीं सरदार, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ सरदार, मैंने तो कुछ भी नहीं समझा। अरे भाई तो हमें कुछ नहीं समझता। नहीं सरदार, जेब में 100-100 के नोट रखता है और कहता गरीब आदमी हूँ, सरदार झूठा कहीं का? निकाल बाकी के नोट। नहीं सरदार, मेरे पास बस यही था और ये भी कर्जा लिया था सरदार, मेरे पास तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मैं तो सब तरह से लूट चुका हूँ सरदार। सब कंगाल कहीं का, अपनी बैलगाड़ी छोड़ दे। अरे नहीं सरदार, मेरा टुकड़ा मत छीनो सरदार, ऐसा जुलम मत करो, मैं बैलगाड़ी से मजदूरी करूँगा, पैसे कमाऊंगा, कभी फिर मिला तो फिर कुछ दे जाऊंगा सरदार, वरना क्या दे पाऊंगा सरदार। ये तो ठीक है, चल इसी तरह आते रहना और 100-100 के नोट देते रहना। भाई साहब डराओ मत, मैं तो आता रहूंगा सरदार और नोट देता रहूंगा सरदार। आते रहना, आते रहना, चल फट। चलो आज करो। अम्मा, अरे कौन गधे का बच्चा होगा जो दोबारा इस रास्ते पर आएगा? भीमा, जान बची 100 लाख हो पाए, 100 तो गवाए फिर भी बचत है, चल। पांच भाई जिस बात में कहें उसको इनकार नहीं करें। हाँ हाँ भाई, ये तो धर्म पुण्य का काम है, आप ऐसा करो इसे मेरी गाड़ी में बिठा दो। मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा। कुछ कहो, सेठ जी पूजा में बैठे हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? जी मुझे इमरती कहते हैं। वाह इमरती, नाम तो बड़ा मीठा है। मैं भी मीठी हूँ, तुम्हारा नाम? मेरा नाम भीमा है जी, भीमा। लेकिन मैं क्या कर रहे हो? छोटे बर्तन मारने की सेवा, धन होगा किसी और के लिए। अरे धन तो बहुत है लेकिन फिजूल खर्च करने के लिए नहीं है, और अगर धर्म खर्च करने का इतना ही शौक है तो ले आना अपने बाप के घर से। ओ तो क्यों रखते मोड़ बांध कर? अगर घर नहीं बसता था तो क्या जरूरी था घर में बन्नों को लाना? मैं मर्द हूँ मर्द, और एक बात कान खोल कर सुन ले, ये बकवास सुनने का मैं आदी नहीं हूँ। किसी के सीने में दिल की जगह पत्थर रखा हो तो वो क्या समझेगा दूसरे के दिल को? मैंने जिंदगी में आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, भीमा का भी नहीं दुखाया मैं। हाँ, गरीब की सारी जमीन गिरवी रख ली और ब्याज पर ब्याज, बस यही मर्दों के काम होते हैं ना। मुझे लगता है आज इस घर में कुछ ना कुछ ठोक नहीं रहेगा। जुबान है कि कैंची की तरह जल्दी चली जा रही है। देखो जी, मैं भी बहुत हल्दी में नहीं हूँ, ब्याह कर आई हूँ इस घर में, समझे?
और जुबान सच बोलने के लिए होते हैं। मैं सच बोल के रहूंगी। अगर सच सुनने का इतना ही शौक है तो मुझसे सुनो। मैंने पैसे दिए उसको, जमीन गिरवी रखी है उसकी, समझी? और इस घर में पैसा वहीं खर्च होगा जहाँ मैं चाहूंगा। वो तो ठीक है, मुन्ना जी अकेले क्यों होती है? सुनो तो, जब पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं तो दो विचार मिला नहीं पड़ते हैं। मैं कमजोर विचारों के साथ नहीं विचार मिला सकता। ओहो, इतने ऊंचे विचार हैं तो कुछ जमीन उसे भी दे दीजिए खाने बोने के लिए। उसे भी दे दीजिए खाने बोने के लिए? मैं मर सकता हूँ लेकिन एक इंच जमीन किसी को नहीं दे सकता, समझी? और फिर मेरा पैसा कुछ पेड़ पे लगे पैसे पत्ते नहीं है जो हिलाऊं तोड़ूं और किसी के हाथ पे रख दूं। किसी की पत्ती का पत्त तुम्हारे साथ मैं भी भोग रही हो। मुझे लगता है कि आज तू पिटे बिना मानेगी नहीं। क्या मैं माने बन सकती? अरे मेरी तो तकदीर ही फूटी थी जो तुम जैसे कंजूस पति के घर आए। आज हद से ज्यादा बढ़ती चली जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अभी। हाँ जा दो, मुझे भी ऐसी बीवी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ जा रही हूँ, मेरी जगह दूसरी को ले आना जो तुम्हारी छाती में बैठ के मूंग दलेगी, समझे? दलेगी समझे, जाती क्यों नहीं? हाँ हाँ जा रही। ऐसे पापी के घर में कौन रहेगा? सुन, आज तक मुझे किसी ने पापा नहीं कहा और तू मुझे पापी कह रही? हाँ पापी पापी पापी। जा दफा हो जा यहाँ से। भैया तुम्हें भी अपना कोई काम जरूर करना चाहिए। अरे राधा चिंता करने कोई बात नहीं है, आज इसे ले जाकर दीनदयाल के सामने खड़ा कर दूंगा, बाजी यार पार की होगी। वो ब्याज को और हड्डी तो उसकी थी का। राधा, वो जो कुछ भी है उसका आज फैसला हो जाएगा। अरे अब हम भी किसी से कम नहीं, वो इनकार करे उसमें दम नहीं, क्यों दीपक? दीपक, सेठ के घर में साझा मानो हो चुका है। वो कैसे? देख, किसी बड़े अफसर या लीडर को खुश रखना हो तो उसकी पत्नी, मेरा मतलब है उसकी मैडम को सलूट मारो, हाँ जी करके उसका सामान लाओ। हाँ, और तीसरे, अगर किसी बड़े आदमी की छोटी साली की नेक नजर हो तो समझो सेठ हाजिर। मैं समझा नहीं। चलो ज्ञान की पोटली खोलता हूँ। ये जो इमरती है ना, ये दीनदयाल की साली है। बस यही मेरी ताली है, यानी कि चाभी, यानी कि तुम्हारी होने वाली भाभी। सेठ जी की जय, राम जी की जय, राम जी की बीमा। ये कौन है भाई? ये मेरा छोटा भाई दीपक है। राम राम सेठ जी। जीते रहो जीते रहो जीते रहो। नौकरी करना चाहता है, अगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं बीमा, तुम खुद लेकर आए हो तो नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी है। पर 200 रुपए माहवार दूंगा है। और उसके साथ एक शर्त है। अरे सेठ जी आप कहिए तो सही। बस कान खोलकर मेरी बात सुन लो। जी दोनों कान खोल लिए। अरे हमने तुम्हें तो परख रखा है मगर। अरे सेठ जी आप इस मगर को हटा दो। अच्छा हाँ। तो मेरी बात सुनो,
पूरा एक बरस यहाँ रहकर काम करना होगा जी, और पूरे बरस की तनख्वाह हमारे पास जमा रहेगी। जब घर जाएगा तो दे देंगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और उस एक बरस में अगर इसने गुस्सा किया तो पूरे साल की तनख्वाह जब्त ना। अच्छा। और इस दौरान अगर हमने गुस्सा किया तो हम डबल देंगे। अगर शर्त मंजूर हो तो हाँ कह दो। ठीक है सेठ जी, मैं कल से ही काम पर हाजिर हो जाऊंगा और शर्त भी निभाऊंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। है धन्यवाद। अच्छा जय श्री राम जी। जय श्री राम। राम खेतों पर जाकर काम करो जी। अरे सुनाई नहीं देता तुम्हें, इसे उठाओ खेतों पर जाओ। जा रहा हूं सेठ जी। अब पता लगेगा बच्चों को सेठ दीनदयाल की नौकरी की है। राधा बहन तुम यहाँ क्यों? मैं नहीं आ सकती यहाँ। दो आंखें हैं देख सकती हूँ, पैर है चल सकती हूँ, और हाँ अकल भी है समझ सकती हूँ, लेकिन इतनी दूर अकेली खेतों में आखिर। बैठो। मैं डरती नहीं हूँ, और अगर डर था भी तो दीपक था यहाँ। हाँ नौकरी कैसी है? राधा सेठ जी बड़े अच्छे हैं। मुझे मालूम है बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारा प्रभाव कब से हो गया होगा? भाई साहब क्या कर रहे हैं? हाँ, आराम से खाकर लंबी तान कर सो जाते हैं, उन्हें किसी की चिंता थोड़ी ही है। नहीं राधा ऐसा नहीं है, भैया तो भैया ही हैं। हाँ कुछ हालात हैं, वक्त की बात है। चलो घर जाओ। राम सेठ जी। राम राम। और ये काम? जी आधे से ज्यादा तो निपटा दिया है, बाकी पूरा कल दोपहर पहले जरूर हो जाएगा। सुनो जी, तुम्हें आज फिर चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी बात कान खोलकर सुनने में ही फायदा है। मैं आज का काम कल पर नहीं डालता, समझे? जी समझ गया। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरी बात समझ गए। तो फिर ये कल क्यों? जी काफी थक गया था, दूसरे हाथों में भी दर्द होने लगा था। झूठ बोलती हो तुम, मकार हो, काम करना नहीं चाहते। अरे बूढ़े तो हम हो गए हैं, तुम तो अभी जवान हो, अभी से हिम्मत हार गए। चलो चलकर खेतों में काम करो। जी दीपक, ये जिस तरह से तुम मुझे घूर कर जा रहे हो ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं सेठ जी, भला मैं आपको घूरूं? ऐसा नहीं हो सकता सेठ जी। चलो काम करो अपना। जी दीपक जी, कि तुम खाना खाने में बहुत वक्त लगाते हो, यहाँ काम बहुत ज्यादा है, तुम मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते, मुझे इस बात का सख्त अफसोस है। जी हुकुम दो। ये खाना तो बाद में भी खाया जा सकता है, तुम एक काम करो, यहाँ से 5-6 किलोमीटर पर पीरूमल के यहाँ ये सामान दे आओ, आज हमारा ट्रैक्टर ठीक नहीं है। मैं तैयार।
इमरती शायद आज मैं घर चली जाऊं। तो जाओ। आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, तुम भीमा से बात कर रही हो। क्या हो गया है तुम्हें? ओए, ओए, दर्द हो गया। दर्द कहाँ है? यहाँ, ठीक बीच में। दवाई क्यों नहीं ली? क्या करूँ? बीमारी लाइलाज है। पर एक इलाज है। बताओ। इमरती। हाय। अरे इमरती, ओ इमरती। वो मुझे कुछ आवाजें आ रही थी हलवाई की दुकान में, यहाँ कहीं क्या वो हकीम जी इमरती हलवाई की दुकान? सेठ जी जय सियाराम जी की। ओ तुम? मैं नहीं सेठ, आपका सेवक भीमा। वो कुछ बातें ऐसी हो रही थी, हकीम की दुकान है, मरती है, हलवाई की, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। अरे सेठ, आप पूजा में होंगे ना? पूजा में? पूजा में। हाँ, तो ध्यान लग गया होगा आपका। मन ना जाने कहाँ होगा आपका। सेठ, मैं सेवा के लिए हाजिर हूँ। वैसे कुछ भी कहो इमरती, भीमा है लड़का बहुत बढ़िया है। आपकी मेहरबानी है सेठ जी। जियो। हो जाएगा गुजारा। जियो। हमारा भी आपके सहारे। जियो। जय सियाराम। जय सियाराम जी। जय सियाराम जी। ये आया किसके लिए था? वो दीपक जी, तुम्हारी ये गलत आदतें और काम चोरी देखकर मेरा तुमसे यकीन उठ गया। सेठ जी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको कोई तकलीफ या नुकसान हुआ हो। जितनी तुम ये जुबान चलाते हो ना, इतना अगर काम करो तो मुझे बहुत फायदा हो सकता है। अगर मेरी जबान इतनी ही तेज है तो थोड़ी काट दो, बस बंद हो जाएगी। अरे इतना जालिम नहीं हूँ मैं कि तुम्हारी जुबान काट लूंगा। आज को ये इल्जाम लगा रहे हो, कल को कोई दूसरा इल्जाम लगाओगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? हमने तुम्हें भौंकना सिखाया और हमें ही काट रहे हो, नमक हराम। नमक हराम कहा तो सेठ, जबान खींच के हाथ में दे दूंगा। क्या समझ रखा है तुमने अपने आप को? खुदा हो तुम? जा, चला जा यहां से। ठीक है, आज से तेरी नौकरी खत्म। जा रहा हूं। ये क्या दीपक, तुम जवान हो, ये आंसू अच्छे नहीं होते। और फिर मैं मरा नहीं, अभी जिंदा हूं। उस सेठ दीनदयाल की मैंने चक्री ना चला दी तो मेरा नाम भी भीमा नहीं। दीपक भैया ठीक कहते हैं, आंसू कायरता का नाम होते हैं। प्रेम के भी आंसू होते हैं, दुख के भी, लेकिन तुम्हें आंसू शोभा नहीं देते। राधा, तुम ठीक कहती थी, वो मुझी है, वहां पैसे की कीमत है, इंसान की नहीं। पर अब तुम दोनों तेल देखो और तेल की धार देखो, मेरे हथियार देखो और मेरा प्यार देखो। मैं करूंगा सेठ दीनदयाल के यहां नौकरी और तुम दोनों बैठ के खाना। मैंने भी घाट घाट का पानी पी रखा है, मैं कलाकारों का कलाकार हूं। सेठ जी, मेरे मालिक, मेरा और आपका रिश्ता बहुत पुराना है, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। दीपक ने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं माफी मांगने आया हूं। आप नहीं जानते सेठ जी, मैंने उसे बहुत लताड़ा है। आप तो जानते हैं सेठ जी कि हमारा गुजारा आप ही के सहारे है। अरे भीमा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मेरा पूरा और पक्का विश्वास है तो सिर्फ तुम पर। अरे सेठ जी, मैं आपका सेवक हूं ना, आपकी सेवा के लिए हाजिर हुआ हूं। आप मुझे हुक्म दे दीजिए सेठ जी। अरे
भीमा, मेरे और तुम्हारे हुक्म कोई तीन थोड़े ही है। पर सेठ जी, इस पर को कतर दो सेठ जी। ठीक है, तो शर्त वही होगी। मैं इनकार नहीं करूंगा सेठ जी। 500 रुपए माहवार दूंगा। मुझे मंजूर है। ठीक है, कल से काम पर आ जा। अजी, मैं तो आज ही से आ गया हूँ। मैं तो हूँ ही तुम्हारा, ये जहाँ भी तुम्हारी, ये भीमा भी तुम्हारा। अरे भीमा, तुम शायरी बहुत बढ़िया करते हो। अरे मैंने सुना है कि तुम गाते भी बहुत बढ़िया। अरे नहीं सेठ जी, आप क्या बात कर रहे हैं। अरे सुना दो, आज हमें भी अपनी अरे नहीं जवानी याद आ रही है। अरे सेठ जी, आपके सामने अब सुना दो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा सेठ जी। ओ मैं तो आज से ही तेरा हो गया हूँ। ओ मैं तो आज से ही तेरा हो गया हूँ। ये जान भी तुम्हारी, ये भीमा तुम्हारा, ये भीमा तुम्हारा। मैं तो आज से ही तेरा हो गया हूँ। अरे अरे सेठ जी, हो गया सेठ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ भीमा। अच्छा, ये घर तुम्हारा? अरे सेठ जी, तभी तो मैं संभालने चला आया हूँ। जियो जियो जियो, कल से काम पे आ जाना है। अच्छा सेठ जी, मैं कल आ जाऊंगा। आज आराम करो। बहुत अच्छा गाता है। इमरती, इमरती जी, नाराज हो? वो मैं कुछ नहीं। इमरती, मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पर मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। क्या क्या कहा? कुछ नहीं सुनना चाहती? तो क्या आज तक मैं भूल में था? भूल में ही नहीं, बल्कि अंधेरे में भी थे। इमरती, इमरती, मेरी तपस्या को भंग ना करो। देखो, मेरा जो समय तुम्हारी यादों में बीता है, उसकी कोई कीमत नहीं? नहीं, मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहती। तुम दिल के काले हो। नहीं नहीं इमरती, तुम सुनो। देखो, हाँ, मेरे रंग की तरह ना, मेरा दिल भी बिल्कुल साफ है, एकदम कोरा। मेरा यकीन करो। तुम यकीन के काबिल ही नहीं हो। करूं कैसे? कविताएं किसी और को सुनाते हो, लेकिन मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? सुनाओ कविताएं, और सुनाओ, खूब सुनाओ। दूसरी कौन? अपने दिल से पूछो। 100 गज का प्लाट अपने दिल में उस मोहिनी का काटे बैठे हो। मुझे सारा मालूम है। कविताएं उसको सुनाओ, दिल लगी मेरे से करो। शायरी उसको सुनाओ, बकवासबाजी मुझसे करो। नहीं नहीं मरती, देखो, मेरे दिल में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। देखो, आज नाराज ना हो। ठीक है, सुंदर और टापम टाप शायरी सुनूंगी, वरना तेरा नाम दिल की डायरी से ही काट दूंगी। मैं सुनाता हूं ना। इमरती है इमरती, इमरती मेरी इमरती, ऊपर आसमान है नीचे धरती। इमरती है इमरती, इमरती मेरी इमरती, कमी है एक ना बस मेरे पे मरती। मैं उसका हूँ ये उसी को ना जचती, कुछ चाहता हूँ मगर इशारा ना करती, अच्छे अच्छों के परों को है कतरती। अरे उते, मैं किसके परों को कतरती हूँ?
मैं क्या जेब कतरी हूँ? तुझे शर्म नहीं आती? आती है लेकिन तुम्हें देखकर चली जाती है। इमरती अब वो सुनो जो एकदम कातिल और जालिम है। टॉपम टॉप ठीक है। ओ देख तुहाडी बॉडी, ओ देख तुहाडी बॉडी, साडी गाड़ी चल जावेगी। अरे देख अकेले हम दोनों को दुनिया जल जावेगी। मेरी गेलियां ब्याह करेगी, मोटी पल जावेगी। बड़ी भूख लगी है, एक रोटी फालतू लो। अरे राधा, कल हम दोनों किसी विशेष काम से 2-3 दिन के लिए बाहर जाएंगे, रास्ते के लिए खाना बना देना। चूरमा चलेगा? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा। और अब की बार एक की बजाय 2 पिंड। दो? हाँ। दीपक, बाजरे के चूरमे के 2 पिंड और वो भी देसी घी में तर, और ऊपर से हमारा सफर। कोई है क्या? कोई है क्या? कौन है भाई? जी हम हैं परदेसी। जी राम राम। राम राम। राम राम। कहाँ से आए हो? जी हम रामानंद गांव से आए हैं। ये मेरा छोटा भाई दीपक है और मैं भीमा हूँ। रामानंद गांव से आए हो? जी हाँ। किस लिए आए हो? क्या कोई खास काम होगा? जी नहीं, बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। अब जबरदस्ती तकदीर से तकरार तो नहीं कर सकते ना। और फिर वैसे भी समय से पहले और मुकद्दर से ज्यादा कब किसको मिला है? दीपक को पढ़ाया लिखाया तो है ना? जी हाँ जी हाँ, बीए पास कराया है। बस काम की तलाश है। काम की तलाश है? चिंता मत करो, यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। आओ मेरे साथ आओ। आजा दीपक। आओ। आओ। अरे दीपक क्या बात है? अरे तुझे तो बुखार है। मैं अभी मुंशी से मिलता हूँ, वो कोई वैद्य डॉक्टर बता देंगे। हाँ तो घबरा मत, मैं भी आया। भाई साहब मेरी मानो रात का वक्त है, कौन मिलेगा? सवेरला होने दो। इसका मतलब है मैं बेवकूफ हूँ? हाँ आया सवेरे वाला, तो घबरा मत, मैं भी आया। सेठ जी, सेठ साहब। कौन है? हम हैं मुंशी।
आ रहा हूं। जी इतनी रात को खैरियत तो है? राम राम। राम राम। ये है भीमा जी। राम राम सेठ जी। राम राम। इनके भाई को अचानक बुखार हो गया, मैंने सोचा कि आप। अरे चिंता मत करो, मैं अभी चलता हूँ, दो पुड़िया ले लूं, अभी चला। चलो भाई चलो, चिंता मत करो, आराम आ जाएगा। सिर्फ दो पुड़िया, एक दवा की दूसरी दुआ की, होनहार जवान है, ऐसे जवानों से मुझे बड़ा लगाव है। बिल्कुल चिंता नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा, आराम आ जाएगा। अच्छा चलो। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। राम राम। राम राम। राम राम। चिंता मत करना भैया। जी सेठ जी। बहुत अच्छा। दवाई दे गई ना, बस ओके मिस्टर। बेटा तू आराम कर, मैं इसके पास बैठती हूँ। नहीं माँ, राधा को होश आए बिना मैं नहीं जा सकता। ठीक है। माँ जी, राधा को होश आ गया है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। राधा, मेरी गलती से आपको चोट लगी है, मैं माफी चाहता हूँ। आप मुझे कुछ भी सजा दे सकते हैं। ऊपर बैठ जाइए ना। लेकिन कहाँ? मेरे पास। पहले सजा। वो तो मिल चुकी जी। दीपक। जी भैया। तुम सेठ बनवारी लाल के यहाँ नौकरी करोगे जी, और इस घराने को अपना घर समझकर रहोगे। देखो, सेठ की सेवा करना, सेठ जी बुजुर्ग आदमी है, और कुछ गलत कह दे तो टाल देना। ठीक है भैया। मैंने सेठ जी से सारी बातें कर ली, मैं अब घर जाता हूँ। राधा अकेली है ना? भैया मैं आपकी आबरू के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ भैया। मैं जानता हूँ पागल। अच्छा मैं चलता हूँ। सुनो जी, सुनो। देखो अब मैं जिसे अपने घर में ले आई सो ले आई। अजी भाग्यवान, तुम्हारे खिलाफ कभी मैं चलाऊं? चलोगे तब भी नहीं चलने दूंगी। चलने तो क्या, हिलने भी नहीं दूंगी। हाँ अरे मुझे पता है तुम्हारी आदतें, तुम दूसरे के आग में कूदना चाहती हो। आग? तुम इसे आग कहते हो? तुमने तो मेरा दिल पहचाना नहीं कि मैं कौन हूं। सुधीर की माँ, आज तक तुम्हारे खिलाफ मैं कभी चला हूं? तुम्हारी बात सारी मानी है फिर? सुनो, मैंने फैसला कर लिया है। क्या? कि बाहर में जाए दुनिया की पसंद, अब इस घर में मेरी और मेरे बेटे सुधीर की चलेगी। हाँ अभी तक तो चलती आई है, वो ये कौन सा नया फैसला कर दिया? मालिक आ जाओ। मुंशी जी। घर
घर में ही गंगा आ गई। कैसी गंगा? बैठो। वो मैं गंगा स्नान की बात नहीं कर रहा, मैं तो घर संसार की गंगा की बात बता रहा हूँ। मुनीब जी पहली मत बुझाइए, जो कहना साफ बोलिए। माँ बेटा जिसे लाए हैं वो भीमा की छोटी बहन राधा ही तो है। अभी समझ में आई बात। अच्छा सुधीर बाबू और सेठानी जी दोनों की रजामंदी है। अभी समझ गया। लो मुंशी जी जाएगा। अच्छा राम राम जी। राम राम। सेठ जी अगर आपकी इजाजत हो तो बाबू की नुलाई मतलब पाले से खुदाई करा दी जाए ताकि फलों में इजाफा हो सके। बात अच्छी है, ऐसा करो तुम खेत पे चले जाओ जी और खुदाई शुरू कर दो, और खाद वगैरह चाहिए तो मुझे बता दियो, शहर से मंगा दूंगा। ठीक है। बेटा ये भी मेरा बेटा है, नई नई नौकरी दी है, और ये मेरा बेटा लगते जिगर सुधर बेटा है। राधा यह है मेरा दोस्त दीपक। दीपक राधा। राधा भैया कहाँ हैं? भैया तो घर हैं। सुधीर जी एक तकलीफ और देनी थी आपको, भीमा के पास इतला करनी थी। चलो इतला कर देते हैं भीमा के पास। राधा हम अभी आते हैं। सुधीर जी इंसान ना मालूम कितने सपने देखता है लेकिन उसका हुक्म अटल है। हाँ राधा को भी चोट लगना संयोग की बात है। चलो अच्छा हुआ सुधीर ने शादी से इनकार, सन्यासी बन जाएगा। सब घरबारी वाले थोड़े ही बनते हैं। तू अपनी मायके चली जाइए और मैं भी ससुराल आ जाऊंगा। बोलो कृषिया पति रामचंद्र की। गलती तो है वो क्या? तुमने एक मर्द का अपमान जो किया, बदला तो जरूर लूंगा। मैं कोई सिखवा न कोई अच्छा जीवन। सेठ जी। हाँ सेठ जी आपने राधा को कहीं देखा? अरे मैं तो तुम्हारे घर और इन जानवरों की ही सेवा में लगा हुआ हूँ। हाँ कहीं वो उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद कुछ पता नहीं चला। क्या कहा एक्सीडेंट? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है किस हाल में है, मैं ढूंढता हूँ सेठ जी। पर सुन मेरी शर्त का ध्यान रखना। सेठ जी एक बार मेरी बहन को मिल जाने दो, उसके बाद मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करता रहूंगा। और भीमा भीमा सुन तो। भैया कहीं कुछ कर ना बैठे है तो दिल के मजबूत, लेकिन कहीं उन्हें पता ना चल गया हो और वो मेरे घर ही ना चले गए हों। दीपक मैं लुट गया मेरे भाई। भैया तुम्हें पता नहीं घर कौन आया है, राधा इन्हीं के घर है। अच्छा आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, मुझे मुझे राधा के पास ले चलो। चलो आओ।
आइए। राधा कैसी है? ठीक हूँ। राम राम सेठ जी। राम राम बीमा, राम राम। ठीक हो? हाँ जी। अच्छा हुआ तुम वक्त पे आ गए, परसों का मुहूर्त निकला हुआ है, ठीक वक्त पे आ जाना। आपका बहुत बड़ा एहसान है सेठ जी, मैं सारी जिंदगी भर भी आपकी सेवा करता रहूं ना तब भी ऋणी रहूंगा। नहीं बीमा नहीं, संस्कार बलवान होते हैं, तुम मैं सब एक जैसे इंसान है। मान गया हूँ सेठ जी, उस ऊपर वाले की महिमा अपरंपार है। अच्छा सेठ जी, मैं ठीक वक्त पर हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाना है, मैं किसी का नौकर भी हूं। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा राधा बेटी हाँ यारे तो भीमा जी, पहली बात तो ये है कि तुम मुझसे पूछे बिना कहीं नहीं जाओगे। जी सेठ जी। और ये आराम को हराम समझ कर खेतों में काम करोगे? अरे सेठ जी, आप मालिक हैं और मैं नौकर, आप जो आदेश दोगे मैं वही करूंगा। अरे सेठ जी, मैं तो इस धरती पर आपकी खिदमत करने के लिए ही पैदा हुआ हूं। मैं तुमसे बहुत खुश हूं भीमा भाई, तुम धीरे धीरे मेरे दिल में अपने लिए जगह बना रहे हो। अरे सेठ जी, ये तो आपकी मेहरबानी है और ऊपर वाले का इंसाफ, वरना मैं तो एक नाचीज सा इंसान हूं। तुम्हारे विश्वास की वजह से ही तो मैं सारा काम तुम्हें सौंपने की सोच रहा हूं। बस थोड़ी सी अग्नि परीक्षा है बस। अरे ये क्या कह दिया सेठ जी, आप मुझे आग में डाल दो, मेरी तपस्या से मुझे आज भी नहीं आएगी। बाबा ठीक है बेटा बेटा, तुम्हारा यही विश्वास तो मुझे तुम पर कुर्बान होने का इशारा कर रहा है। जी सेठ जी, अब मैं तुम्हारा ऐसा दिल लगाकर काम आपका ऐसा दिल लगाकर काम करूंगा कि आपकी दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़े। बढ़े क्या? आमदनी। बस बेटा भीमा, सारी दुनिया की दौलत पा लेने की मेरी तमन्ना है। अरे सेठ जी, भगवान ने चाहा तो ये तमन्ना आपकी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, बस जरा सा धीरज धरिए। अरे अरे वाह बेटा वाह, धीरज मैं धरूंगा और ये शरीर मार कर काम तुम करोगी। अरे सेठ जी, अब बैठे क्यों हो, जाओ जाकर खेतों में काम करो। अच्छा सेठ जी, अब आप नौ हाथ की सोड़ में सो जाओ, मैं तो एक हाथ की में ही गुजारा कर लूंगा। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूं, जय सियाराम। अरे सुनो 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 सुनो, ये तूने कहां सोने को कहा? सेठ जी, नौ हाथ की रजाई में। सोड़ में। अच्छा सेठ जी, जय सियाराम जी की।
सेठ जी। ये क्या है भाई? आपने लकड़ियां मंगवाई थी सो ले आया। खेत में काम किया है? बीज बोए, बाड़ लगाई? अरे कोई फसल तो नहीं ले जाएगा? अरे आप चिंता मत करो सेठ जी, सब ठीक कर दिया है। सब ठीक कर दिया जैसे ये किया है? चल चल मेरे साथ, मैं खुद चल कर देखता हूँ। अबे सेठ जी ये लकड़ियां कहाँ रखूँ? रख दे मेरे सर पे। जैसा आप आदेश करें। अबे नालायक, वहां रख मेरे बाप। ये क्या कह रहे हैं आप? आज आप मुझे बाप कह रहे हैं, कल को आप मुझे दादा कहोगे, परसों आप मुझे नाना कहोगे। अबे रखता है या नहीं? चल मैं भी। चल 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 चल। अरे ओ सत्यानासी, कहाँ जाता है तू सत्यानासी? अबे अबे सुन बीमा, इसका क्या करूं सेठ जी? मार दे मेरे सर पे। बीमा बीमा तू गधा है। जी मालिक। तू नालायक है। जी सेठ जी। तू कमबख्त है सेठ जी। अरे 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 सेठ जी रोइए मत, भूल गए? सुबह को इमरती, दोपहर में बर्फी और शाम को दूध और जलेबी। सेठ जी इतनी जल्दी भूल गए अपना वादा? भीमा बेटा, मैं तो तुझसे मजाक कर रहा था। तब ठीक है बेटा, चल चल घर, चल घर, चल के सारे वादे पूरे करूंगा। मैं भी कहूं कि सेठ जी कैसे भूल गए। आजा बेटा, चलो आजा चलो।